हैवल्स ब्रांड आज अपने परिचय का मोहताज नहीं है। देश में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसके घर पर इस ब्रांड की इलेक्ट्रॉनिक सामान न हो। देश का लगभग हर शख्स इस मशहूर ब्रांड के बारे में जानता होगा, लेकिन क्या आपको पता है हैवल्स का नामकरण कैसे हुआ और किसने इसको एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसे हर कोई जानने लगा? तो चलिए आपको बताते हैं हैवल्स को अरबों रुपए का ब्रांड बनने की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 1958 से, जब मलेरकोटला के एक छोटे से गांव में जन्मे कीमत राय गुप्ता कुछ बड़ा करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त कीमत राय गुप्ता की उम्र 21 साल थी और उनके जेब में थे 10,000 रुपए। हालांकि उस वक्त 10,000 रुपए कम नहीं थे, लेकिन इन 10,000 को कीमत राय गुप्ता ने अरबों रुपए में बदल दिया। दरअसल दिल्ली आने के बाद कीमत राय ने भागीरथ पैलेस के मार्केट में अपने ही एक रिश्तेदार के पास इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखा और यहाँ के भागीरथ मार्केट में अपनी खुद की दुकान गुप्ता जी एंड कंपनी शुरू कर ली। कीमत राय उस वक्त की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हवेली राम गांधी के डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे। 1971 में कीमत राय को जानकारी लगी कि हवेली राम आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं। कीमत राय ने हवेली राम को खरीदने की ठान ली और किसी तरीके से पैसों का इंतजाम कर 7,00,000 रुपए में हवेली राम गांधी कंपनी को खरीद लिया और कीमत राय गुप्ता ने शुरू में लोकल मार्केट में अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू किया। उनके पास काफ़ी अनुभव हो गया था और वो समझ गए थे कि लोकल मार्केट की डिमांड क्या है। धीरे धीरे उनकी कंपनी चल पड़ी और फिर हवेली राम का नाम हो गया हैवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस ब्रांड को खरीदने के बाद उन्होंने इसके साथ ट्रेडिंग की और साल 1976 में उन्होंने दिल्ली के कीर्तिनगर में अपना पहला स्विचेस और रीचिंग ओवर का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। इस ब्रांड को खरीदने के बाद उन्होंने इसके साथ ट्रेडिंग की और साल 1976 में उन्होंने दिल्ली के कीर्तिनगर में अपना पहला स्विचेस और रीचिंग ओवर का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। उन्होंने साल 1969 में बादली और 1980 में तिलक नगर में दो बड़े एनर्जी मीटर बनाने के प्लांट लगाए। कंपनी के तेजी से आगे बढ़ने के साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट की मांग भी बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अपनी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के प्लांट स्थापित कर दिए। कंपनी की सफलता की बात करें तो साल 1992 में हैवल्स ने अपनी मार्केट वैल्यू 25 करोड़ तक पहुंचा दी थी। वहीं कंपनी को नई पहचान देने के लिए उन्होंने 1993 में शेयर मार्केट के BSE NSE के साथ गठजोड़ कर लिया। साल 2007 में कीमत राय गुप्ता ने जर्मनी की एक बड़ी कंपनी सिल्वानिया को खरीदने का फैसला किया। हालांकि जर्मनी की ये कंपनी उस दौर में हैवल्स से कई गुना बड़ी थी। सिल्वानिया को खरीदने के बाद 2008 में मार्केट में आई मंदी के कारण इस कंपनी को बड़ा घाटा हुआ, लेकिन इन्होंने ये कंपनी नहीं बेची और उनकी मेहनत और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा था कि साल 2010 में सिल्वानिया कंपनी मार्केट में फिर से खड़ी हो गई। कीमत राय गुप्ता की लगन और आशावादी सोच ही थी कि आज हैवल्स का नाम एशिया के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स में होती है। होलसेल मार्केट से शुरू हुआ ये सफर आज दुनिया के 51 देशों में अपनी पहचान बना चुका है और देश के अरबपतियों में शुमार कीमत राय भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जीवन यात्रा और सपने को हकीकत में बदलने की कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। कीमत राय गुप्ता ने अपना जीवन इस सरल सिद्धांत के साथ जिया। यदि आपका दिमाग किसी बात की समझ रखता है और आपका दिल उस पर विश्वास करता है तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा मात्र 10,000 रुपयों से शुरू की
और अपने पीछे 17,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य छोड़ गए।